Using the property of determinant. Using the property of determinant, prove that a square bc ac plus c square a square ab b square ac ab b square plus bc c square जो है वो 4 a square b square c square के equal है. तो यहाँ पर जो है आपको जो determinant दे रखा है left hand side में, उस में जो वो जो डिटर्मिनेंट है उसको एक बार लिख देने के बाद ए स्क्वायर और बी सी और ये ए सी प्लस सी स्क्वायर, ये फर्स्ट रो लिखी. सेकंड रो में है ए स्क्वायर प्लस ए बी और फिर जो है बी स्क्वायर है और फिर ए सी, जो इसी तरह से थर्ड रो में ए बी और बी स्क्वायर प्लस बी सी और सी स्क्वायर है. तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे कि फर्स्ट जो कॉलम है इसमें से अगर हम ए कॉमन निकाल सकते हैं, इसी तरह से सेकंड कॉलम जो है उसमें से बी कॉमन निकाला जा सकता है और थर्ड जो कॉलम है उसमें से सी कॉमन निकाला जा सकता है. तो इस तरह से फर्स्ट में से ए, सेकंड में से बी और थर्ड में से सी कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे को जो नया डिटर्मिनेंट आएगा वो इस तरह से होगा. तो ये जो है डिटर्मिनेंट, पहले में से ए निकाला तो ए बाहर आ गया, तो बचा हमारे पास ए और इधर बचेगा ए प्लस बी और ये बचेगा खाली बी. और सेकंड कॉलम में से बी कॉमन निकाल लेने पर यहाँ बी आ गया और ये बच गया सी, फिर बी और ये बी प्लस सी हो गया. और थर्ड में से सी कॉमन निकाल लेने पर उधर जो है ए प्लस सी और इधर सी लिख देंगे और ए सी में से सी निकाला तो ए बचा, सी स्क्वायर में से सी निकाला तो सी बचा. अब हमारे पास ए बी सी और फिर डिटर्मिनेंट में ए सी ए प्लस सी ए प्लस बी बी ए और बी बी प्लस सी और सी आया. अब जो है हमारे को इसको इस तरह से करना है कि रो वन जो है उसकी जगह पे हमारे को रो वन में से जो है रो टू और रो थ्री का सम जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देना, यानी कि घटा देना, यानी कि पहली पंक्ति में से दूसरी और तीसरी पंक्ति को जोड़ के घटा देना है. तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और बी जो है वो बी बी टू बी, यानी कि माइनस के टू बी जो है यहाँ पर आता है. इसी तरह से सी में से टू बी प्लस सी माइनस करने पर जो है माइनस के टू बी आएगा और ए प्लस सी में से ए प्लस सी घटाने पर ज़ीरो आ जाता है. और बी प्लस सी, ये ए प्लस बी बी ए और थर्ड रो जो होगी बी बी प्लस सी और सी एज इट इज़ जो है सेकंड और थर्ड रो लिख दी जाएगी. अब हम देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में से जो है माइनस के टू बी जो है वो कॉमन निकाले जा सकते हैं, तो हम इसको जो है बाहर निकाल देंगे माइनस के टू बी को. तो हमारे पास जो है फर्स्ट रो जो है उसमें से टू बी निकाल देने पर ए बी सी इंटू में टू बी जो है माइनस के टू ए बी स्क्वायर सी हो जाएगा और फर्स्ट रो जो है वन वन ज़ीरो हो जाएगी. सेकंड और थर्ड रो जो है एज इट इज़ आ जाएगी, जो है जैसे पहले लिखी गई थी उसी तरह से लिख देते हैं. अब आप देखेंगे कि आपके पास जो है फर्स्ट रो में एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो आपको और लेना है तो फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दें या सेकंड कॉलम में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक ज़ीरो आपके पास और आ जाएगा. तो यहाँ पर जो है हम जो लगाएंगे वो सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे को जो नया डिटर्मिनेंट मिलेगा वो आपके पास जो है इस तरह से आएगा कि डिटर्मिनेंट जो है माइनस के टू ए बी स्क्वायर सी जो है एज इट इज़ लिख देंगे और फर्स्ट जो है आपका कॉलम वो तो एज इट इज़ ही रहेगा वन ए प्लस बी और बी, और जो है सेकंड कॉलम पे अप्लाई करेंगे तो वन में से वन गया वो ज़ीरो हो गया और बी में से ए प्लस बी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास माइनस के ए आएंगे और बी प्लस सी में से बी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी आएगा. इसी तरह से थर्ड कॉलम जो है वो एज इट इज़ लिख दिया जाएगा क्योंकि उसमें एक ज़ीरो ऑलरेडी है. अब वन जो है फर्स्ट रो में जो है उसके अलॉन्ग जो है, अगर हम इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास जो है माइनस है ए और सी सी, इस तरह से टू इंटू टू का एक
जो है डिटर्मिनेंट आएगा। तो इस तरह से ये हो गया माइनस के टू ए बी स्क्वायर सी, और माइनस ए को सी से करेंगे तो माइनस के सी, और ए को सी से करेंगे तो माइनस के सी आएगा। तो माइनस के टू ए सी हो गए, इसे जो है माइनस के ए टू ए बी स्क्वायर सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और सी को सी से करेंगे तो सी स्क्वायर। यही हमारा राइट हैंड साइड था, यही हमें प्रूव करना था। अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल।